आवारा पशु के हमले से युवक की हुई मौत, नाराज ग्रामीणों ने लगाया जाम। कौशाम्बी जिले में दवा लेकर वापस लौट रहे एक युवक के ऊपर आवारा पशु ने हमला कर दिया। इस हमले में युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। युवक की मौत से नाराज ग्रामीणों ने गाँव के पास गौशाला बनवाए जाने की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। घटना मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र के दुबरा चौराहे की है, जहां हिसामपुर बहरे मऊ गांव का रहने वाला जगदीश पड़ोस के देवखरपुर गांव दवा लेने के लिए गया हुआ था। वह दवा लेकर वापस अपने घर लौट रहा था। जैसे ही वह दुबरा चौराहे के पास पहुंचा कि अचानक उसके ऊपर एक आवारा पशु ने हमला कर दिया। आवारा पशु के हमले से जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने जगदीश को पहचाना और सूचना परिजनों को दी। जगदीश के घायल होने की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने 108 पर कॉल कर एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन एम्बुलेंस काफी देर तक नहीं आई, जिसके बाद जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई। एम्बुलेंस न आने और गौशाला न बनाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही मंजनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को काफी देर तक समझाया बुझाया। बाद में गौशाला बनाए जाने के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम समाप्त किया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसलिए हमको न्याय चाहिए, कहे इसलिए कि हमारे पापा गए थे काम करने, एकदम सही थे, ठीक। जब वहाँ से जब हॉस्पिटल पहुँचा दिए तब बाद में आए कह रहे तुम्हारे पापा खत्म हो गए, इस तरह थोड़ा बताया जाता है। क्या हुआ है? क्या हुआ ही, मजदूरी कर रहे थे, इनको ठेल दिया गया है वहाँ से। किसने ठेला? छत से गिरा के मारा गया। और क्या क्या किया? छत से गिरा दिया गया है, मिस्त्री लेबर और जिसके घर है वो। आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए बस। FIR दर्ज किए, एक बार गए तो नहीं दर्ज किए, दोबारा भी गए हैं। मकान मालिक रवि पाल। सर एक मजदूर की मौत हो गई, तो इसके बाद परिजनों ने यहाँ चक्का जाम किया था, क्या है मामला, क्या कार्रवाई हुई है? थाना मंजनपुर क्षेत्र में आज एक मजदूर की छत से गिरने की मौत हुई थी, जिसमें परिजनों का आरोप है कि उसको छत से गिरा के मारा गया है। इस बात को लेकर वो लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए भीड़ भाड़ किए थे, जिस पर उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर जाँच करके कार्रवाई की जा रही है, और जो और सच्चाई होगी उस पर साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।